ब्लॉक 4 हाइड्रोकार्बन यूनिट 1 एल्केन्स। इस यूनिट में हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा कुछ बेसिक से नॉलेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फ्यू स्टेप्स हैं आपके पास या कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो है यूएसए में, और कुछ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रशिया में, वेनेजुएला और ईरान, पाकिस्तान, कनाडा और इंडिया में। ठीक है, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑल्दो दे आर नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट कीप दिस इन योर माइंड। नाउ एल्केन्स जो होते हैं उनको पेरीफिन्स भी कहा जाता है। दिस पॉइंट इज अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। एल्केन्स को क्या कहा जाता है? पेरीफिन्स कहा जाता है। अदर नेम ऑफ एल्केन इज पेरीफिन्स। नाउ पेट्रोलियम क्या होता है? ऑयली विस्कस इनफ्लेमेबल एक लिक्विड होता है एंड इज यूजली हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है ना, डार्क कलर होता है एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड अकर्स अबंडेंटली इन वेरियस नेचुरल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो नेचुरली अकर करता है, ठीक है ना, तो अर्थ पे हमारे नेचुरल डिपॉजिट की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। पेट्रोलियम जो होता है आप सेपरेट कर सकते हो उसको वेरियस फ्रैक्शंस में। पेट्रोलियम के कौन कौन से डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं? गैसोलीन, नेफ्था या फिर केरोसिन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, उसको सेपरेट आराम से कर सकते हो। नाउ कंपोजिशन ऑफ द पेट्रोलियम कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ द एल्केन्स रेंजिंग इन साइज एंड साइक्लोहेक्सीन, नेफ्थलीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सीन हो गया वो भी प्रेजेंट होता है, नेफ्थलीन हो गए और आपके बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम के अंदर। नेचुरल गैस वो होती है जिसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन एंड ईथेन। और पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है मीथेन 80% होता है और ईथेन क्या होता है हमारा 10% होता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस आपकी क्या होती है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर मीथेन और ईथेन का, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इन फ्यू स्टेप्स में से दो स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एल्केन इज ऑल्सो नोन एज पेरीफिन्स एंड नेचुरल गैस हैज अ मेजर कंपोनेंट्स आर मीथेन एंड ईथेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलता है यहाँ पर ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर हमारा क्या होता है? बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, वो गैसोलीन्स होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो आपको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स हेयर मीन्स ऑल द रनिंग व्हीकल्स। ठीक है ना, सो दो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो आपके गैसोलीन्स यूज़ होते हैं उसमें। ठीक है, आई मीन व्हीकल्स का मतलब मेरा है जिसमें आपको कुछ इंजन इनमें डालने की ज़रूरत पड़े, कुछ पेट्रोल की या डीजल की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लाइक फ्यूल की ज़रूरत पड़े। तो जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होने वाला वो क्या है आपका? गैसोलीन। अब उसी गैसोलीन की क्वालिटी पता करने के लिए कि कौन सा गैसोलीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए हम ऑक्टेन नंबर को मेजर करते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग देयर ऑक्टेन नंबर। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपको दो फ्यूल्स दे दिए गए या दो ऑटोमोबाइल्स दे दिए गए और फिर दोनों के अंदर जो फ्यूल डल रहे हैं उनके ऑक्टेन नंबर दे दिया एंड आपको कंपेयर करके बताना होगा कि कौन सा वाला फ्यूल ज़्यादा अच्छा है, जिसकी किसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो आप कैसे पता करोगे? तो आप पता करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेन नंबर। ठीक है, देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं हम। ऑक्टेन नंबर जो होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। अभी मैंने बताया इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होती है उतना ही बेटर फ्यूल होता है। तो कंपेयर करने पे अगर आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर दूसरे वाले से ज़्यादा आ रहा है, इट मींस आपके वाले फ्यूल की क्वालिटी क्या है? ज़्यादा है। ओके, सो हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर विल बी द फ्यूल। 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये एक आइसो ऑक्टेन है जो कि एक गुड फ्यूल कहा जाता है क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर 100 आता है, जबकि एन हेप्टेन बहुत ही ज़्यादा पुअर फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर 0 है। ओके, नाउ गुड क्वालिटी ऑफ ऑक्टेन नंबर, अगर गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल है होता है तो उसका ऑक्टेन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करना चाहिए? 87 से लेके 95 तक वेरी करना चाहिए। अगर इस बीच रेंज में आ रहा है ऑक्टेन नंबर आपके फ्यूल का, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इट हैज़ अ गुड क्वालिटी।
नेक्स्ट कुछ और चीज़ें, ब्रांच अगर जैसे किसी भी आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया है, कोई फ्यूल दे दिया, उस फ्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो समझ जाइएगा कि उसका ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख रखा है, इफ़ ब्रांचिंग इंक्रीजेज द ऑक्टेन नंबर ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ़ द चेन लेंथ इंक्रीजेज द ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेज, हेयर द ब्रांचिंग एंड द चेन लेंथ इज ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोला है, डिफरेंस कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे कि आपका ये है तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कार्बन की स्ट्रेट चेन, जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, मान लीजिए ऐसे ऐसे भी बढ़ रही है, ठीक है ना, ये भी एक मेन चेन ही है, तो ये चेन का बढ़ना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे और ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स लग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, लाइक इस तरीके से लग जाए सब्सटीट्यूएंट्स, तो उसको कहेंगे हम ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। देखिए इसकी अलग अलग ब्रांचिंग लग रही है, इसमें मेन चेन क्या रहेगी, वो तो यही रहेगी, और उसकी जो अलग अलग चीज़ें वो ये हैं, तो ये अगर जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा ब्रांचिंग कही जाएगी, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको चेन कही जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग और चेन में अंतर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या अंतर है। मतलब ब्रांचिंग जब इंक्रीज़ होगी तो ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज़ होता है, बट उसका उल्टा क्या होता है, चेन लेंथ के संग, जब चेन लेंथ इंक्रीज़ होती है तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा ऑक्टेन नंबर रखते हैं देन दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लोएल्केन्स ज़्यादा ऑक्टेन नंबर रखते हैं देन दी एकाइलिक एल्केन्स। ओके, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान से समझ लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीटेन नंबर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।